फिल्मों की मैं कहानी की स्पेशली बात करूँगी क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को इमोशनली दिखाने की कोशिश की है, हालांकि रोल बहुत स्ट्रांग था यहाँ पे भी. राम जी, आई टोटली अग्री विद यू. आप कहीं से कहीं स्ट्रांग वुमन और सीबी एक डिटेक्टिव जैसा तो नहीं लग रही है, वो वल्नरेबिलिटी कहाँ से लेकर आती है और वो कितना हेल्प करता है आपको इस रोल के लिए? आई थिंक इसमें आई थिंक मोर देन मी इट्स अ डायरेक्टर हु मेक्स मी डू व्हाट आई डू एंड देयरफॉर आई थिंक अनु शुड आंसर दिस क्वेश्चन. सब कुछ तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा बिकॉज द स्क्रिप्ट द कैरेक्टर वॉज वेरी ब्यूटिफुली एच्ड आउट बाय अनु. आई हैव ओनली फॉलोड हर डायरेक्शंस, हर इंस्ट्रक्शंस एंड या आई थिंक अच्छा लगता है जब मौका मिलता है कुछ एक अलग किरदार निभाने का. तो लाइक राम सेड, शी इज नॉट योर टिपिकल डिटेक्टिव, यू नो दैट्स व्हाट सेट्स हर अपार्ट, दैट्स व्हाट मेक्स हर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फॉर मी. बट वट एवर आई हैव डन इज इफ इट वर्क्स देन इट्स थैंक्स टू हर. डोंट से दैट, कैंसिल कैंसिल. आपसे आपसे एक सवाल है, जब पूरी OTT जैसी चीज़ें आती हैं आजकल, एक फिल्म दूसरी जगह दूसरे देश में सब जगह पर आ रही है, लोगों को बहुत सारे क्लासिक्स देखने की भी आदत पड़ गई है, ऐसे में जब आप नियर जैसी फिल्म लेकर आते हैं तो एज अ डायरेक्टर कितना प्रेशर होता है कि भाई इस बार की ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है तो कुछ अलग तो देना पड़ेगा? या आई थिंक इट्स अ गुड थिंग यू नो दैट पीपल आर वॉचिंग डिफरेंट थिंग्स एंड इट्स एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग. सो एंड आई always like from the day we started writing I always imagined it to be in the theaters. It's that kind of a film, you know, when you watch there is a community viewing and you know people gasp at the same time and yeah, aisi film hai, you know, it is that, you know, and then it's, and usually this genre of films it's like a puzzle, you know, that you sort of, there is a relationship with the audience, so you kind of, there are expectations and har koi jab aise film dekhta hai everybody se kaha mujhe pata hai kya hone wala hai. There is always that and you have to have that relationship but you also have to be one step ahead of them and this is, I love this genre, maine matlab har you know film dekhi hai. So I kind of, me and my you know team of writers, we worked really hard in creating something different and we are aware that you know there is such quality you know options available from across the world. And I'm proud that we are at that level. And I really hope that, you know, the audiences sort of see that and enjoy it for, you know, what we've created. Thank you. Hello. My next question, I'm from Sejal Jain, Dainik Bhaskar. मेरा प्रश्न है आपसे विद्या मैम से. आप पिछले 4 सालों से मीडिया और शूट से दूर रही हैं, क्या आप कोई अच्छी स्क्रिप्ट की वेट कर रही थी? नहीं, मैंने 3 फिल्में की है इस दौरान. सारी फिल्में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई और हमने बहुत प्यार बटोरा इन फिल्मों के लिए. शकुंतला देवी जो मैंने अनु मेनन के साथ की और फिर शेरनी और जलसा, तो मुझे दुख इस बात की है कि आपने ये फिल्में नहीं देखी है. आज आपका होमवर्क थिएटर में ही आपके नहीं थिएटर में. अच्छा हाँ वो मेरे हाथ में नहीं था, यू नो पैंडेमिक था. तो ये बहुत अच्छी बात है कि पैंडेमिक होने के बावजूद हमारा काम हम लोगों के साथ शेयर कर पा रहे थे. पर हाँ, अब थिएटर में रिलीज करने का मौका मिला और मुझे लगता है नियत जिस तरह की फिल्म है ना, वो बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और होगा. आपने अब जब ट्रेलर देखा, मुझे खुद लगा कि यू नो, हालांकि मैंने फिल्म ऑलरेडी देखी है, पर जब बड़े पर्दे पर देखो ना, इसका या 4 चांद लग जाते हैं. आपने ग्लैमर्स और घुमराह जैसे कई किरदार किए हैं, तो आपको घुमराह कर दिया. तो आपके कौन से किरदार आपको ज्यादा मुश्किल लगा है? कौन से? आपने ना ग्लैमर्स और गंभीर जैसे किरदार किए हैं, तो आपको कौन सा किरदार ज्यादा सीरियस रोल्स एंड ग्लैमरस रोल्स? अच्छा, ऐसे मुझे मेरा पेट नहीं भरता. मुझे हर टाइप का खाना अच्छा लगता है, वैसे ही हर टाइप का रोल अच्छा लगता है. थैंक यू. हाय, अमित भाटिया फ्रॉम एबीपी न्यूज. मेरा क्वेश्चन शहाना और निकी से है. फर्स्ट थिंग, आप दोनों के कैरेक्टर के बारे में, सेकंड, जब इतने सारे एक्टर्स होते हैं, स्क्रीन स्पेस कहीं ना कहीं कम होता है, तो उस कम स्क्रीन स्पेस में कैसे खुद को इसमें आपने जस्टिफाई किया?